चिल्लम से धुएं उड़ाना, निवस्त्र रहना, बिंदास घूमना। लोगों को देखकर यही लगता है कि नागा वही लोग बनते हैं जो या तो जिम्मेदारी से भागते हैं या फिर कोई क्राइम करके, पर हकीकत इससे कोसों दूर है। नागा बनने के लिए कई सारे बलिदान देने पड़ते हैं, इतना भी आसान नहीं है नागा बनना। सबसे पहले आपको समाज को त्यागना होता है, अपने परिवार, दोस्त, रिश्ते नाते सभी को छोड़कर ही आप साधु बन सकते हैं। दूसरा, आपको घर, पैसे, शादी, गाड़ी, मोटर, इन सब मटेरियलिस्टिक चीजों का मोह छोड़ना पड़ता है। अपनी मस्ती से मतलब है, दूसरे से मतलब नहीं। क्या कर रहा है, कौन मर गया, कौन जिंदा है, फालतू मतलब ना है। तीसरा, आपको कपड़ों से लेकर खाने पीने की चीजों तक का बलिदान देना पड़ता है। नागा साधु सात्विक भोजन करते हैं और मदिरा का सेवन नहीं करते, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि जो नागा नहीं पहनते वो नहीं 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 चौथा, आपको खुद का भी त्याग देना पड़ता है। खुद का पिंडदान करने के बाद ही नागा बन सकते हैं। ऐसा है आपके पास, हमारे पास क्या? और पांचवा, नागा बनाने से पहले टांग तोड़ क्रिया कर अपनी मर्दानगी का बलिदान देना होता है। इस क्रिया के पश्चात नागा कभी उत्तेजित अवस्था में नहीं आते और काम से हमेशा हमेशा के लिए परे हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी निवस्त्र नागा का वीडियो देखें तो अपने मापदंड पर जज करने से पहले फैक्ट्स को जान लीजिए। ऐसी ही दिलचस्प जानकारी लेकर मिलेंगे अगले सोमवार। तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा की तरह जपते रहिए, हर हर महादेव। आशीर्वाद देना चाहते हैं, आगे नंगा, आगे पीछे, आगे पीछे, हर हर महादेव।